ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। शेख मसूदी समाज कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को लायंस डेन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुन्ना मसूदी सहित कार्यकारिणी ने शपथ ली। इस अवसर पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। जिला अध्यक्ष मुन्ना मसूदी ने कहा कि यह कार्यकारिणी समाज की भलाई और बेहतरी के लिए काम करेगी। शेख मसूदी समाज नीमच की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को लायंस डेन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मसूदी समाज के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना भाई मसूदी और कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद यूनुस, गुलाम हुसैन, यामिन भाई निमसिटी, सचिव अब्दुल रहीम शामू भाई, सह सचिव मोहम्मद जमील और नेहरू भाई, खजांची सिराज भाई रेडीमेड, सह कोषा अध्यक्ष अब्दुल करीम, इनायत हुसैन, प्रवक्ता हाजी साबिर मसूदी ने भी शपथ ली। इस अवसर पर मसूदी समाज के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मुन्ना मसूदी का समाज के वरिष्ठ जनों ने दस्तारबंदी और पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड CEO भोपाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूर्व शहर काजी हिदायतुल्लाह खान, डॉक्टर आसिफ खान व समाज के वरिष्ठ जन मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज के जिला अध्यक्ष मुन्ना मसूदी ने कहा कि समाज की बेहतरी और लोगों की भलाई के लिए आज हमने शपथ ली है। यह कार्यकारिणी समाज के लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करेगी। आगामी दिनों में समाज के लोगों के लिए एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। कमेटी का गठन हो चुका था, उसका पदग्रहण समारोह आज था। यह प्रोग्राम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे मसूदी समाज के बाहर से भी लोग आए हैं, यहाँ के भी लोग, और हमारे जो मुस्लिम समाज के जो दूसरे प्रोग्राम के लोग भी हैं वो भी सब यहाँ पे शामिल हुए हैं। और अभी हमारी जो कमेटी का गठन हुआ है, इसमें हम इंशाल्लाह आगे मसूदी समाज की बेहतरी के लिए और ज़्यादा बेहतरी के लिए काम करेंगे। कमेटी दोबारा जो मेरी गठित हुई है, उसमें सब कमेटी के सब पक्ष में है, और जो भी शासन प्रशासन की सुविधा है वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे। आगे आगामी मार्च में अपने सम्मेलन की कोशिश है। इसके अलावा खासतौर पर शिक्षा में बहुत जोर दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा में बहुत जोर दिया जा रहा है, चाहे स्कूल भेजना पड़े या ऑनलाइन पढ़ाना पड़े। इसके लिए जैसे मसूदी समाज अब एक्टिव हो चुका है, पूरे नीमच जिले की खबर है, नेक्स्ट जनरेशन से लेकर तरक्की दान तक कोई भी जो समाज सेवा के काम है उसमें मसूदी समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और लेता रहेगा आगे भी। और किसी भी समाज को अगर कोई किसी चीज़ की आवश्यकता मसूदी समाज से सामाजिक कार्य के लिए होती है तो हम आगे आपके लिए उपस्थित हैं, हाजिर हैं। कार्यक्रम में जावरा, रतलाम, भीलवाड़ा, अजमेर, महू सहित अनेक शहरों से समाज के लोगों ने शिरकत की और जिला अध्यक्ष मुन्ना मसूदी और कार्यकारिणी को मुबारकबाद पेश की। इस अवसर पर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने भी मुन्ना मसूदी को पुष्पमाला और दस्तारबंदी कर स्वागत किया। इसके साथ ही कई सामाजिक और मुस्लिम कमेटियों ने भी मुन्ना मसूदी का इस्तकबाल किया। इस अवसर पर हाजी साबिर मसूदी ने कहा कि समाज हमेशा सेवा कार्यों में अग्रणी रहेगी। यदि जिला अस्पताल में कभी किसी को खून की आवश्यकता होगी तो समाज के लोग हमेशा आगे रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षा और समाज के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद इकबाल कुरैशी, गुलाम रसूल पठान, अबू भाई निमसिटी, मोहम्मद हुसैन चाचा, मोहम्मद इलियास, छोटे चाचा मकसूद मौलाना, हिदायतुल्ला खान, वसीम खान, जावेद दुर्रानी, इकबाल हुसैन, जफर कुरैशी सहित बड़ी संख्या में शेख मसूदी समाज के लोग मौजूद थे। आज 26 सितम्बर को शेख मसूदी समाज नीमच, जिला नीमच के कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है, जिसमें मसूदी समाज के, दीगर समाज के और कई आला अधिकारी भी मौजूद थे, प्रदेश लेवल के सभी यहां मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में पूरे समाज जन ने सर्वसहमति से मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना मसूदी साहब को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, और दस्तारबंदी हमारे सारी जो कार्यकारिणी है उनके की गई है। और हमने ये प्रेरणा ली है यहाँ और ये शपथ ली है कि आज के बाद जो भी समाज में जो कमियां हैं उसे हम दूर करेंगे। रक्तदान कोई सी भी सर्व धर्म समाज के लोगों को चाहिए। मसूदी समाज हमेशा अग्रणी रहता है और रहेगा। मुन्ना मसूदी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम समाज के अलावा सर्व धर्म के सारे काम करेंगे। और आज हम प्रवक्ता होने के नाते हाजी साबिर मसूदी इतनी जानकारी दे रहा हूँ, अगला जो प्रोग्राम समाज का होगा वह हम SP कलेक्टर, SDM साहब और CO साहब जिला अस्पताल के, उनसे निर्णय लेकर हम अगला कदम, हम प्रशासन के लिए भी हम बहुत जल्दी हम हमारी समाज का खिदमत देने को तैयार हैं। और हम अभी वैक्सीन लगाया, हमने कैंप लगाया यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर, जिसमें हमारे प्रशासन ने जो सेवा का मौका दिया वैक्सीन लगवाने के लिए, कैंप के लिए, व्यवस्था करने के लिए, हम शासन प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं।